जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धनबाद का वो जगह है जहाँ से प्रवेश करते हैं लोग और डायमंड सिटी के नाम से विख्यात है। बहुत सारे लोग जानते हैं धनबाद के बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे धनबाद रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आएंगे, देखिए देख सकते हैं ये सामने जो दृश्य दिख रहा है ये बाहर का लोकेशन है रेलवे स्टेशन का। यहाँ से आपको अलग अलग तरीके की हर जगह की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, दिल्ली बॉम्बे पटना जहाँ भी जाना हो। ये जंक्शन है बहुत बड़ा, सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, कैब मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ से अगर आप कभी विजिट करते हैं और आपके पास गाड़ी सुविधा नहीं है तो आप यहाँ पे रिजर्व करके भी यहाँ से अन्य जगह पे जा सकते हैं। ये अंदर का लोकेशन है जो जंक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में हमेशा भीड़ होती है। लॉकडाउन की वजह से उतना जो स्पेशल ट्रेनें हैं वही चल रही है लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं। तो आप जब भी आएंगे तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत सारे हैं और अगल बगल आपको खाने की सुविधा जो रिक्वायरमेंट होती है जो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप आएंगे तो धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी, होटल बहुत सारे हैं। वहाँ से आपको 10 रुपये किराया देना पड़ेगा और वहाँ से आपको फिर बस स्टैंड छोड़ देगा अगर आपको बस स्टैंड जाना है तो। अन्य जगह पे अगर आपको जाना है तो भी धनबाद पहुँच चुके हैं। पूर्वा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस था जो कि काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। और स्पेशल ट्रेन जो कि हावड़ा के लिए जाती है ट्रेन है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि मैं धनबाद जंक्शन पे हूँ। तो धनबाद शहर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत ही स्वच्छ रखा गया है, बहुत ही वातावरण अनुकूलित है और यहाँ का ब्लैक डायमंड सिटी से बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला है। जब आप आएंगे तो कोयलाओं के शहर में आपका जो है अलग अलग तरीके से आप घूम सकते हैं, झरिया जा सकते हैं या जो भी माइंस है अगल बगल वहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, निरसा नज़दीक है वहाँ भी घूम सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन धनबाद रेलवे स्टेशन का जो मैंने चाहा आप सबको दूं। और जब भी आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप अन्य जगहों पे घूम सकते हैं और ये अंदर का लोकेशन देख सकते हैं। जब यहाँ से कोई गाड़ियाँ अभी फिलहाल COVID-19 में आ रहा है तो उसे चेक करके ही बाहर निकला जा रहा है। ये एग्जिट का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से एग्जिट होता है। जब आप प्लेटफॉर्म में आएंगे तो यहाँ से आपको एग्जिट होना पड़ेगा लेकिन पहले लाइन में लग के, और सोशल डिस्टेंस का आप देख सकते हैं पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है, कोरोना टेस्ट हो रहा है और फिर उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो आपका पूरा रिपोर्ट बायोडाटा वो नोट कर रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, घर कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं और टेस्ट लेके, स्वैब टेस्ट लेके फिर बाहर किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ टेस्ट लिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लाइन का कोई भी ये नहीं रखा गया, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी, धज्जियाँ उड़ गया है। तो ये है यहाँ का लोकेशन, यहाँ का नियम जो मैंने आपको दिया धनबाद रेलवे स्टेशन। अगर आप विजिट करते हैं तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कोरोना टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। अन्य जगहों से, अन्य शहरों से आते हैं तो अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको जो है कोरोना टेस्ट देना पड़ेगा, अपना नोट कराना पड़ेगा, कौन सा बोगी से आ रहे हैं, कौन सा बोगी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका पहले चेक होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से ट्रेवल करने दिया जाएगा। अगर आप अन्य शहरों से आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अपना एड्रेस ये सब कुछ लिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ से एग्जिट होगा। एग्जिट का एक ही गेट अभी फिलहाल खुला है चूंकि COVID-19 है तो ऐसे में आप स्टेशन से भाग नहीं सकते, आपको एंट्री कराना अनिवार्य है तभी जाके आपको बाहर जाने के लिए दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना सिक्योर रखें चूंकि अभी COVID-19 है, ऐसे में आप अपना जितना सिक्योर रहेंगे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे कोरोना टेस्ट और आपका जो डिटेल्स है वो आपको भर के यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लेकिन कुछ चेंजिंग होना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसमें जो लाइन है ये सोशल डिस्टेंस पे होना चाहिए, कुछ ज़्यादा लोगों को आप बिठाएं ताकि जल्दी से जल्दी लोग निकल जाएं। हम लोग 1 से 2 घंटे वेट किए थे तो ऐसी परेशानी और लोगों को ना हो क्योंकि उन्हें बहुत दूर से एक तो ट्रैवल करके आते हैं और जाना। तो ये नियम को थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा लोगों को रखना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी नोट हो और लोग जल्दी जा सके क्योंकि 1-2 घंटा जब वेट करेंगे आप इस तरह एक तरह से तो आप दूर से आएंगे और फिर आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा किया जाए कि जल्दी से जल्दी वो घर पहुँच सके क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी लोग परेशान होते हैं। तो ये था जो मैंने चाहा आप सबको दूं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।